हेलो गाइस, वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन हिंदी सीरीज। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर होते क्या हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं वेरिएबल के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल जो होता है ये एक मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कैलकुलेशन के लिए कोई भी वेरिएबल बनाया है, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर डिफाइन किया है जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करनी है जो कि इंटीजर टाइप की है, यानी कि इंट ए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इंट ए इक्वल टू 123, तो इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में जगह चाहिए। तो मेमोरी में जगह स्पेस लेगा, तो स्पेस लेने के लिए जहाँ पे ये स्टोर होगा वहाँ पे हर मेमोरी का एक एक लोकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देख सकते हैं कि मेमोरी की लोकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 4 का इंटरवल क्यों रखा है, क्योंकि ये जो इंटीजर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट टाइप की वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और जो इंटीजर होता है वो 64 बिट अगर कंपाइलर है तो वो 4 बाइट की स्पेस लेता है। तो यानी कि हर एक 4 बाइट पे एक नई नई लोकेशन यहाँ पे बनती जाएगी अगर आप इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए एक और मैंने वेरिएबल बनाया इंट बी, तो अगर यहाँ पे 1012 के पास अगर स्पेस खाली होगा तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा, बी इक्वल टू जो भी आपने असाइन किया हुआ वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी में ये स्टोर होता है वेरिएबल। तो जो ये वेरिएबल की जो साइज है, यानी कि मेमोरी में ये कितना स्पेस लेने वाला है, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। यानी कि कंपाइलर अगर आपका 64 बिट है तो यही इंटीजर आपका 4 बाइट का स्पेस लेगा, और अगर आपका कंपाइलर अगर 32 बिट का है तो मेमोरी का जो स्पेस होगा इंटीजर के लिए वो होगा 2 बाइट्स का। तो आप ये चीज समझ गए कि जो वेरिएबल होता है वो एक्चुअली वैल्यू को स्टोर करता है, और स्टोर कहाँ पे करता है, मेमोरी के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर स्पेस लेगा और वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। तो वैल्यू उस मेमोरी के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी और उस एड्रेस का यहाँ पे नेम जो हो जाएगा, तो जो आपने वेरिएबल का नेम दिया है वो हो जाएगा, और बाकी ये जो एड्रेस है ये तो मेमोरी का एड्रेस है। तो यहाँ पे इंटीजर की बात मैंने बता दिया कि 32 बिट है तो वो 2 बाइट्स की स्पेस लेगा, ऐसे ही 64 बिट का कंपाइलर है तो वो 4 बाइट का लेगा। और यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर की बात कर लें तो जो कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो वो 1 बाइट की स्पेस लेगा मेमोरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि सिंटेक्स की, कि अगर हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन के लिए तो हम किस तरीके से वेरिएबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सिंटेक्स होता है तो हमें यहाँ पे टाइप प्रोवाइड करना होता है, यानी कि किस टाइप की वो वेरिएबल है, कि वो इंटीजर टाइप की है यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू है, या फिर वो फ्लोट है यानी कि डेसिमल टाइप की वैल्यू है, या फिर वो कोई कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप प्रोवाइड करना होगा। अगर मान लीजिए हमारी कोई जो वेरिएबल हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं अगर वो नंबर टाइप की है तो हमें यहाँ पे इंटीजर लिखना होगा टाइप की जगह पे। ऐसे ही अगर हमारा जो कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो कोई कैरेक्टर टाइप की है, यानी कि ABCD ऐसे करके कुछ है, तो वो होगा यहाँ पे कैर टाइप का। और स्ट्रिंग का मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ज्वाइन करके अगर हम कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो देते हैं ये है वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पे जो वेरिएबल का आप नेम देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना नाम दिया, तो नाम में क्या हो गया कि 3 4 5 ऐसे करके कैरेक्टर एक साथ जुड़ के आते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग के लिए आपको यहाँ पे जो टाइप प्रोवाइड करना होगा वो टाइप प्रोवाइड करना होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो इंटीजर टाइप की अगर वेरिएबल आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि अभी उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, तो जो डिक्लेयर करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको टाइप प्रोवाइड करना होता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, फिर उसके बाद से वेरिएबल का नेम देना होता है। ऐसे ही अगर आप फ्लोट की करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे टाइप फ्लोट देंगे, फिर उसके बाद से वेरिएबल का नेम देंगे, ऐसे ही कैर के लिए होता है। तो ये बात होगी कि ये सिर्फ हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि उसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमने वैल्यू असाइन नहीं किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है। और यहीं पे जो दूसरे एग्जांपल की यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिफाइन भी किया है और साथ ही साथ उसकी वैल्यू को असाइन भी किया है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल, अगर मान लीजिए आपने सेम टाइप के सेम डेटा टाइप के अगर आपने वेरिएबल को यूज किया हुआ है, जैसे कि नंबर टाइप के, तो आप एक बार यहाँ पे टाइप प्रोवाइड करके बाकी जितने भी वेरिएबल आप यूज करने वाले होंगे उतने आप यहाँ पे एक साथ यूज कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप इसके अंदर ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन या फिर डिक्लेयर कर रहे होंगे तो अगर वो सेम डेटा टाइप के हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर यही मान लीजिए ये बी जो होता है ये फ्लोट टाइप का होता तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर बी को आप फ्लोट के अंदर डिक्लेयर करना है तो कुछ आप इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर और असाइन करने का ये तरीका है। यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया हमने वैल्यू और असाइन भी कर दिया, तो इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे जो कैरेक्टर टाइप की हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए
हमने पहले टाइप दे दिया, फिर वेरिएबल का नेम दे दिया, अब उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जो कैरेक्टर होता है, तो अगर वो सिंगल कैरेक्टर हमें देना होता है कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर जब करना होता है, तो सिंगल टाइप का देना होता है। अगर ऐसे ही हमें अगर स्ट्रिंग का करना होता तो हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे कैर का डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि जब आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जरूर रैप्ड कर दीजिएगा, यानी कि दोनों साइड यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाइएगा। तो ये कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए जो वेरिएबल का आपका नेम जो होगा वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर अल्फाबेट भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकते हैं, वो सिर्फ नेम में, ठीक है। और जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा स्टार्ट होगा या तो अल्फाबेट से या फिर सिंगल एक अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और बीच में कोई स्पेस हम नहीं दे सकते हैं। और वेरिएबल का नेम कभी भी हम कोई रिजर्व कीवर्ड, यानी कि कोई भी जिसे मान लीजिए इंटीजर ए जो है रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि सिस्टम के अंदर डिफाइन है। अगर यहाँ पे जो डेटा टाइप दिया हुआ है अगर आप इसी नेम से यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं तो ये एक इनवैलिड तरीका होगा बनाने का। तो इसलिए आप जो वेरिएबल का नेम देंगे वो सिस्टम के अंदर रिजर्व नहीं होना चाहिए। वैलिड जो डिक्लेयर करने का तरीका है वेरिएबल का, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, या तो आप यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं या फिर अल्फाबेट के साथ यहाँ पे आगे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो ये दो चीजें को यूज करते हुए आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं कि आपने अल्फाबेट लिया फिर उसके पास न्यूमेरिक वैल्यू भी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनवैलिड, यानी कि अगर आप इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो एरर देगा, वो इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू बनाई और यहाँ पे टू वेरिएबल का नेम दे दिया, तो ये इनवैलिड है। आप नंबर से किसी भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनके बीच में स्पेस दे देते हैं तो भी ये इनवैलिड है, ये भी प्रोग्राम में एरर दे देगा। तो इस तरीके से भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर रिजर्व कीवर्ड को आप यूज करते हैं तो वो भी एक इनवैलिड तरीका है। तो ये जो लॉन्ग है ये रिजर्व कीवर्ड है सिस्टम के अंदर डिफाइन है। ये सारे कीवर्ड्स जितने भी हैं इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में भी आपको बताते जाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रूल्स है इनको फॉलो करते हुए आपको वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात कर ले तो यहाँ पे वेरिएबल जो मेन तो जो होते हैं ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी यहाँ पे चीजें होती हैं वेरिएबल्स के अंदर कि स्टैटिक वेरिएबल भी होता है, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल भी होता है। तो इन सब के बारे में भी मैं जब हम इससे आगे एडवांस लेवल में पहुंचेंगे तो वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हुए आपको मिलेंगे, तो आप वहां से अच्छी तरीके से ये सीख जाएंगे कि ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। सिर्फ मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो लोकल वेरिएबल होता है ये विद इन फंक्शन काम करता है, यानी कि एक फंक्शन के अंदर हमने अगर बना दिया है वेरिएबल को तो वो उसी फंक्शन के अंदर काम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर यूज करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ग्लोबल वेरिएबल की बात कर लें तो ग्लोबल मतलब पब्लिकली हो गया, जैसा कि इसके नाम से भी पता लग रहा है। तो ग्लोबल क्या हो गया कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए मेन प्रोग्राम के अंदर, यानी कि जहां पे हम लिखते हैं मेन फंक्शन वहां पे अगर मान लीजिए हमने उसके ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल वेरिएबल कोई वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं या फंक्शन के बाहर मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल का मतलब यही हो गया। तो चलिए एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम बना के देख लेते हैं जो कि वेरिएबल पे बेस्ड होगा। तो चलिए हम अपने टर्बो सी कंपाइलर पे चलते हैं। कंपाइलर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ इसको वेरिएबल डॉट सी। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। फिर इसके बाद से हम अपना मेन मेथड स्टार्ट करेंगे। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर करने वाले हैं और उसी वेरिएबल को हम प्रिंट भी कराएंगे, यानी कि जो वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू असाइन किया है उसी को प्रिंट कराएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम कोई न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसका जो कीवर्ड लिखते हैं यानी कि डेटा टाइप जो लिखते हैं वो इंटीजर है, क्योंकि नंबर टाइप की जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर होगी। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे देता हूँ नंबर, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। तो अभी क्या होगा कि इस नंबर वेरिएबल के अंदर वैल्यू यहाँ पे 10 असाइन हो जाएगी जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इसी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है वापस से, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे तो मैसेज हम दे देते हैं जैसे कि वैल्यू ऑफ नंबर, और यहाँ पे हम यूज करते हैं परसेंटेज डी क्योंकि हमें नंबर के अंदर जो भी स्टोर है जो कि इंटीजर टाइप की डेटा है उसको हमें प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज डी यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं परसेंटेज डी। और हम यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देंगे जो वैल्यू प्रिंट करने वाला है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट को।
तो देखिए अभी हमारा आउटपुट नहीं आया, ये हमने क्या मिस किया, जो कि हमारी स्क्रीन को होल्ड करने वाला जो मेथड है यानी कि आउटपुट कंसोल को, वो हमने मेंशन नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी सी एल आर एस सी आर भी यूज नहीं किया है, क्योंकि जो पुराने हमारा जो प्रोग्राम रन हुआ रहता है उसकी आउटपुट भी वहाँ पे रहती है, तो हमें सबसे पहले क्लियर स्क्रीन करना होता है, बाद में फिर हम इस प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी बनाए हैं उसका एग्जैक्ट आउटपुट आपको देखने को मिलता है। अब जो हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर यहाँ पे 10 आ गया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे फ्लोट डिफाइन करके ऐसे नंबर को या फिर जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसको प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर टाइप का होगा उसको आप प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई कैर टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर की नेम, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे डिक्लेयर की वेरिएबल के अंदर जो आपने असाइन किया उसको सिंगल कोट के अंदर रैप्ड करना होता है। तो चलिए इस वेरिएबल को भी हम प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट एफ नेम इज, और यहाँ पे हम वेरिएबल को पास कर देंगे। तो वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पे, नेम, और ये कैरेक्टर टाइप का है तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट जो स्ट्रिंग लगाएंगे वो परसेंटाइल सी लगाएंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने वाला है। तो कंट्रोल एफ नाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर भी आ गया और नेम ऑफ ए भी आ गया। अगर आपको इसको न्यू लाइन के अंदर लेके आना है तो आप सिंपल इसी के जस्ट आगे आप ये बैक स्लैश एन यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आप यूज करेंगे तो आपकी आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगी। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं और फेच कैसे करते हैं, डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।